हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शकरकंदी की खीर एक नए तरीके से बनाना बता रही हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शकरकंदी की खीर बनाने के लिए ये मैंने दो शकरकंदी लिए हैं, जिसमें से एक को मैंने बॉईल कर लिया है और इसको मैंने कच्चा रखा है। इसे हम छील के ग्रेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने 4-5 इलायची लिए, इसको भी छील लेंगे हम। किशमिश, काजू, बादाम, इनको मैंने बारीक काट लिया है। चीनी है, ये 3 चम्मच मैंने चीनी ली है छोटे वाले चम्मच से। घी 2 चम्मच और ये रोज वाटर है, ये अपने आप डाल भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं इसको। और 1/2 लीटर दूध लिया है। चलिए बनाते हैं। इस शकरकंदी को छील के मैं ग्रेट कर लेती हूँ। शकरकंदी को छील लिया है मैंने, पर ये इसका कलर चेंज होने लगता है, ऊपर से काली होने लगती है, इसलिए मैं इसको 2 टुकड़े करके पानी में छोड़ दूंगी और एक टुकड़े को मैं तब तक ग्रेट करूंगी, दूसरा पानी के अंदर ही रहेगा ताकि इसका कलर चेंज ना हो। इसे मैं पानी में ही ग्रेट कर रही हूँ ताकि इसका कलर है काला ना पड़े। ये शकरकंदी ग्रेट हो गई है और हम कढ़ाई गैस पे रख देते हैं, उसमें घी डाल देते हैं। घी गर्म हो गया है, पानी के अंदर ग्रेट की हुई शकरकंदी है उसे निचोड़ कर डाल देते हैं घी के अंदर। गैस को एकदम लो कर ले और पूरा पानी निचोड़ के डालनी है, नहीं तो फिर पानी से ये छींटे उछलेंगे इसके अंदर। घी गर्म होने के बाद ही हम जैसे डाल रहे हैं उसी टाइम हमें पानी से निकाल के डायरेक्ट कढ़ाई में डालना है। अगर रख लिया तो ये एकदम काली हो जाएगी, जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। और इसे हम भून लेते हैं। 5 मिनट भून लिया है इसको, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इसके अंदर में ये कटे हुए काजू है, ये भी डाल देती हूँ, तो ये भी साथ में भून जाएंगे। 1 मिनट चलाएंगे इसको भी। अब हम इसके अंदर ये दूध डाल रहे हैं। अब गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे और इसको एक उबाल आने देंगे। जब तक इसमें उबाल आ रहा है हम बॉईल की हुई शकरकंदी को पेस्ट बना लेते हैं। वो शकरकंदी के टुकड़े करके मैंने जार में डाल दिया, इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे बस इतना ही, और एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए ऐसा पेस्ट बनाया मैंने इसका। इसको भी 5 मिनट पका लिया है, एक उबाल आ गया है और ये एकदम पक गई है। अब हम इसके अंदर वो पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं, इससे थिकनेस आ जाएगी खीर के अंदर। इसमें अब चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि शकरकंदी खुद भी मीठी होती है, तो कम ही चीनी डालें थोड़ी। चीनी गुलने तक हम इसे हिलाते रहेंगे। किशमिश डाल देते हैं और ये बादाम भी डाल देते हैं। ये खीर बन गई है। आपको गाढ़ी रखनी है तो थोड़ा और चला लीजिए, पतली रखनी है तो आप इसी स्टेज पे गैस बंद कर सकते हैं। इसके अंदर ये इलायची पाउडर है ये डाल देते हैं और ये रोज वाटर है ये भी ऐड कर देते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारे लच्छेदार खीर शकरकंदी की बिल्कुल तैयार है। इसे हम पिस्ता से गार्निशिंग कर देते हैं। इसे आप व्रत में भी ले सकते हैं। हमने शकरकंदी को आधा बॉईल किया था, आधा ग्रेट किया था। ग्रेट करने से इसके अंदर एक क्रंचीपन आता है और बॉईल करने से इसमें एक थिकनेस आता है। अगर हम खाली ग्रेट करके डाल देते तो दूध अलग और शकरकंदी अलग हो जाती थी। और इसमें आप ध्यान रखें कि चीनी कम डालें, क्योंकि शकरकंदी खुद मीठी होती है